हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा एडवेंचर यूट्यूब ब्लॉग पे। और आज हम ऑफरोडिंग करने वाले हैं। तो ये रहा गोसाईगा कॉलेज और हम लोग एक्चुअली आज जो फॉरेस्ट रूट है उधर से होके टिपका जाएंगे। तो मेरा साथ है दीपक, मेरे दोस्त और मैं। आज हम टिपकाए होके बुगरीबरी फिर महामाया धाम उधर जाएंगे। तो बेसिकली आज जो वेदर है वो थोड़ा सा ठंडा भी है हल्का हल्का और गर्मी भी बहुत है। तो देखते हैं आज का सफ़र हम लोग का कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। और ये जो रात को बारिश होने के कारण से रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब हो गया। और हम इधर से जहाँ से आए वो रूट से आप आ सकते हैं। ये रहा भूंगा, हम पहुँचने वाले भूंगा मार्केट। तो भूंगा एमी स्कूल है ये वो जो पूरा पहाड़ जैसा लग रहा है उसके नीचे, बहुत नीचे एक गांव भी है। तो आगे तरफ हम बढ़ेंगे तो उधर हमको भूंगा का जो बाज़ार है वो मिलेगा। तो यहाँ का रास्ता जैसा हर तरफ सैंड ग्रेवल लगाया हुआ है रास्ता पे, और रास्ता ढेर सारा है लेकिन हमको पता नहीं। और ये रहा जो भूंगा का बाज़ार, हम एक्चुअली असम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पे है। और ये रहा टिपकाए जाने वाले रास्ते और रास्ता का जो देख रहे हैं आप हालत, इसमें कोई पिसिंग नहीं हुआ है, ये ऐसे ही सैंड ग्रेवल है। बहुत सालों से हम ऐसे देखते आ रहे हैं, इसका कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं हुआ। और आगे तरह आप देख पाएंगे कि जो स्लोपिंग रोड है ऊपर जाने वाला, वहाँ तो बहुत ख़तरनाक होता है। बारिश के टाइम में बहुत स्लिपरी होता है, जैसा ये पत्थर लगाया हुआ है रास्ता पे। तो हम लोग राइट की तरफ से जाएंगे जहाँ हमको टिपकाए फॉरेस्ट मिलेगा। और जो लेफ्ट साइड गया वो एक जगह है सपोर्ट ग्राम बोल के नाम, तो उस जगह वो लेफ्ट साइड से जाएगा। और ये है रहा टिपकाए का जो फॉरेस्ट। अब जैसा कि देख रहे हैं बहुत खाली लग रहा है, यहाँ लोग बहुत कम आते हैं, एक दो ही गाड़ी देखने को मिलता है। और यहाँ कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी कुछ ऑटो वही चलते हैं यहाँ। तो ये रहा फॉरेस्ट रूट। फॉरेस्ट पहले बहुत घना था लेकिन कुछ साल पहले यहाँ फॉरेस्ट लोगों ने इस फॉरेस्ट का जो पेड़ सब है उसको लकड़ी सब बना के अभी ख़त्म, थोड़ा कम हो गया। बाबा रे आया, इतना बड़ा बड़ा पौंड सब बना हुआ है रास्ता में। बारिश की वजह से बहुत पानी जम गया है, यहाँ गाड़ी से आना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा गड्ढा साफ है, जहाँ अगर आप देखते हैं तो कितना बुरा लगता होगा कि यह रास्ता ऐसा भी होता है, ऐसा भी रास्ता है। पानी का ऊपर से हम लोग को जाने पड़ रहा है। और इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि पानी जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, सब जमा हुआ है पानी। आगे तरफ से हो क्या हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग का जो स्टॉपेज मिलेगा वो रंगामटी है। फिर और बहुत छोटा छोटा जो गांव है वो देखने को मिलेगा। और हम कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, एक के बार में जाके महामाया धाम और दुली गाँव की तरफ जाके थोड़ा हम लोग उधर रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो पहले बहुत ये फॉरेस्ट सब गांव सब बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, घर नहीं था। ये रहा टिपकाई का मार्केट। और
ये मंगलवार को बहुत बड़ा बाजार लगता है। सब जगह से लोग आते हैं यहाँ बाजार करने के लिए। बेसिकली अगर कहा जाए तो यहाँ पोर्क मीट जो देसी वाला है वो बहुत अवेलेबल रहता है। ये टिपकाई का बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। अगर आप सीधा जाते हैं तो आपको काजी गाँव और सुपारी घाट बिगला वो मिलेगा। और हम लेब की तरफ जा रहे हैं और हमको जो रास्ता है वो महामाया धाम और बुगरी बड़ी की तरफ जाए। A few moments later. जैसा कि हम लोग अभी पहुंच गए हैं एक जगह और वहां थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि रास्ता का हालत बहुत ख़राब था। बैठ बैठ के पूरा कमर दर्द दे रही यार। अभी थोड़ा वेट करके उधर से हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक गांव पे आए हैं और उधर थोड़ा देख रहे हैं लोगों का, मतलब हैबिटेशन कैसा रहते हैं, क्या करते हैं, सब थोड़ा देखने के लिए आए। और यहाँ लीची बहुत मिलता है वो सब देख के हम लोग महामाया की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये भी महामाया का जो साल का पेड़ सब देख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत पुराना कहा जाने से ये बहुत सालों से ये पेड़ सब है। और तो आगे तरफ ये महामाया धाम जाने वाला रास्ता। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। उधर से होके हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और आगे जैसा कि यहाँ का मिट्टी बहुत रेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ वाला मिट्टी। और ये जो देख रहे हो बिल है, ये बंजर जमीन जहाँ मछली शायद बहुत मिल लेगा। और हम एक घर पे अभी पहुँचे हैं तो वो घर पे भी थोड़े देर रुक के हम निकल जाएंगे। ये रहा महामाया धाम का मेन एंट्रेंस गेट, वो सीढ़ी जो देख रहे हैं आप, उधर ऊपर लोग जाते हैं। A few moments later. पूजा करने के लिए बहुत भूख लग रहा है यार। खाना साना खाने हम लोग पहुँच गए हैं और फिलहाल खाना खाने का बाद हम लोग इधर से निकल जाएंगे। उधर से निकल गए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आपके लिए फिर ढेर सारा वीडियो ला सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.